गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छी बात। एक दिन एक फैमिली मॉल में गए, वहाँ उनको अपने एक पुरानी दोस्त मिल गई। भाई साहब ने बहन जी से पूछा, कैसी हो, बहुत सालों में बाद मिले, कैसा लग रहा है, कैसी हो, क्या है, फैमिली मेंबर्स क्या है, कितने बच्चे हैं, कहाँ रहते हो, ये वो सारा कुछ एक दूसरे से पूछ लिया, एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर लिया और दूसरी बार मिलने का वादा किया। चले गए अपने अपने घर। फिर अपने जीवन की भाग दौड़ में भूल गए। एक बार वो लेडी का इस भाई साहब के ऊपर कॉल आया कि नितिन क्या हुआ, मिलने नहीं आए। नितिन ने बोला, अरे मधु क्या बात करूँ, अब ये देखो ये काम वो काम पूरा दिन निकल जाता है। तो बोले कि नहीं मैं कुछ नहीं जानती, आज तुम्हें मुझे मिलने आना है। और वो भी हमारी बात हुई थी ना कि आपके घर के पास ही जो बगीचा है, वो उस बगीचे में मैं हर रोज़ शाम को आती हूँ, तो वहाँ तो आओ मिलते हैं। तो बोल के चलो ठीक है आज पक्का मिलते हैं। नितिन पहुँचा वहाँ पे, मधु भी आ चुकी थी। तो पूछा, मधु एक बात बताओ, मैं उस दिन ही तुझे पूछने वाला था कि तुम्हारी ये इतनी अच्छी तंदुरुस्ती का राज क्या है, क्या करती हो, योगा करती हो, मेडिटेशन करती हो, क्या करती हो। तो मधु ने आंसर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी मैं नहीं करती, बस घर का पूरा काम करती हूँ, वो भी पूरी प्रसन्नता से और खुश होकर, प्रसन्नता से और खुश होकर सारा काम मैं खुश होकर करती हूँ। तुम्हारा बताओ। नहीं मुझे तो ये है वो है, ढेर सारी लिस्ट पुरानी बातों की या ढेर सारी लिस्ट अपने प्रॉब्लम्स की सारी बताने का। मधु समझ गई, अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम लोग हर रोज़ मिलेंगे शाम को यहाँ पे, और शायद ना मिलना हो तो हम फोन पे बात करेंगे, ओनली 5 मिनट्स, कबूल है, प्रॉमिस करते हो। नितिन हिचकिचाते हुए, चलो ठीक है। तो मधु ने बोला कि नहीं ठीक है, नहीं पक्का प्रॉमिस। तो बोले कि हाँ चलो पक्का प्रॉमिस, दोनों ने प्रॉमिस कर लिया, चलो कल मिलते हैं। तो दूसरे दिन मिले, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुझे वो 5 मिनट में पूरे दिन में जो अच्छी बात हुई है वो मुझे तुम्हें बतानी है, तुम्हें मुझे बतानी है। तय हुआ, दूसरे दिन मिले। मधु ने बताया कि नितिन एक बात बताऊँ, आज मेरे गुलाब के छोड़ के ऊपर इतनी सारी कलियाँ हुए और 3 गुलाब के फूल खिले, इतना अच्छा लगा। नितिन मुस्कुराने लगा, ये क्या पागल जैसी बात करती हो। मधु बोली, यही छोटी छोटी बातों में हमें खुशियाँ ढूंढनी है, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो बोले कि ऐसा तो मैंने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन हाँ मैं ये बताता हूँ, आज मैं तुमसे मिला वो मेरी अच्छी बात हुई, आज की एक अच्छी बात पूरी हो गई। दूसरे दिन मिले, तीसरे दिन मिले, रोज़ मिलते, कभी फ़ोन पे बात करते, तो रोज़ अच्छी अच्छी एक एक बात पूरे दिन की आगे आने लगी। लिस्ट बना, आज मैंने जो खाना बनाया मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा। नितिन कहता है, आज मैंने टीवी में मेरे पुराने जो मेरा फेवरेट सॉन्ग था वो देखा तो मुझे अचानक खुशी हुई। मधु बोलती है कि आज मेरी पड़ोसी के घर पे बच्चा हुआ तो मैं बहुत खुश हो गई। नितिन कहता है, आज मेरी बेबी ने मुझे इतने अच्छे ढोकले खिलाए ना तो मैं बहुत खुश हो गया। यानी इतनी छोटी छोटी बातों में हमें खुशियाँ मिली। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दिन की एक अच्छी बात हम ढूंढना शुरू करेंगे ना तो हमारी लाइफ में छोटी छोटी अच्छी बातों का पुल बन जाएगा, जो हम खुशियाँ ढूंढते हैं कि बड़ी बात में खुशियाँ ढूंढते हैं वो तो आएगी तब आएगी, लेकिन हमें इन छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो हम लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम भी पूरे दिन की एक अच्छी बात, एक खुशी की बात एक दूसरे से, अपने एक दूसरे से यानी अपने करीबी दोस्त से या करीबी फ्रेंड से या फिर पति से, पत्नी से, बच्चे से, पड़ोसी से, पड़ोसी से, किसी से भी शेयर करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। इसी अच्छी
एक अच्छी बात के साथ आज के लिए बाय बाय। मेरी स्टोरी और सारी भी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, यूं ही मिलते रहेंगे। बाय बाय, कीप स्माइलिंग, बाय।